सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आज से मैं आपके लिए हर रोज वीडियो अपलोड करूंगी। आप कैसे हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए आज के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी स्टाइल भगारा बैंगन। एक खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है। जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं भगारा बैंगन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हैदराबादी स्टाइल भगारा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए इसी तरह के छोटे वाले बैंगन। बैंगन को मैंने धो के साफ करके लिया है, बाद में हम इसे कट करेंगे। एक चौथाई कप मूंगफली, एक बड़ा चम्मच तिल, एक बड़ा चम्मच खसखस, दो बड़े चम्मच डेसिकेटेड ड्राई कोकोनट, इसके अलावा आप फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हो, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने इधर कटी हुई हरी मिर्च ली है दो तीन, आप सिर्फ तीखी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। टेस्ट के लिए नमक, एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, कटा हुआ हरा धनिया, तेल, तेल हमें बैंगन फ्राई करने के लिए चाहिए और बैंगन बनाने के लिए, एक चम्मच गरम मसाला। गैस के ऊपर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को मध्यम आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे। आप डायरेक्ट रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हो। तो इसी तरह से मूंगफली भून के तैयार है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम इसी ही पैन में तिल डालेंगे, खसखस, और इन दोनों को भी मध्यम आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे। देखो इसी तरह से तिल खसखस चटकने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे एक डेसिकेटेड ड्राई कोकोनट, इसे भी मध्यम आंच पे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसी तरह से सारी चीजें भून के तैयार है। चलो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इन सारी चीजों को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, चलो अब हम इसे मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। इधर मैंने मिक्सर की जार ली है, इसमें एक खसखस, तेल, नारियल, भुना हुआ नारियल डाल देते हैं और उसके साथ साथ मैं इसे इसमें मूंगफली भी डालूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सर में पीसेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही पीसना है। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बनाई है। इसी तरह से इसकी पेस्ट बननी चाहिए। अब हम ये जो बैंगन है बैंगन को कट करेंगे और साथ साथ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है बैंगन फ्राई करने के लिए। बैंगन को इसी तरह से चार टुकड़ों में कट करेंगे। बैंगन पूरे चार टुकड़ों में कट नहीं करना है, एक साइड से इसी तरह से ही रखेंगे। बैंगन अंदर से अच्छी तरह से वाइट सफ़ेद होना चाहिए। तो इसी तरह से बैंगन को मैंने कट करके लिया है, अंदर से ये बैंगन बिल्कुल साफ है। चलो अब हम इस बैंगन को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है। लगभग मैंने इसमें बड़े तीन से चार चम्मच तेल डाला है, आप चाहिए तो ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन और बैंगन को मध्यम आँच पे दो से तीन मिनट फ्राई करेंगे। बैंगन को ब्राउन सिटी आने तक फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से बैंगन फ्राई होने लगा है। बैंगन फ्राई होके तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस के ऊपर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है। अब हम इसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये भगारा बैंगन बनाने के लिए तेल ज्यादा ही होना चाहिए। जीरा डाल देते हैं, जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं और उसके साथ साथ एक कटी हुई हरी मिर्च और इन सारी चीज़ों को एक मिनट भूनेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, भूनना चाहिए। हल्दी डाल देते हैं, धनिया और जीरा पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर। मिलाते ही इन सारी चीजों को, इसी टाइम गैस की आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ये पीसा हुआ मसाला। मिलाते हैं इसे और इस मसाला को लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें से तेल अलग होने तक भूनेंगे। मसालों से तेल अलग होने लगा है, इसमें जरूरत के अनुसार पानी डाल लेते हैं। जैसे आपको बैंगन की करी पतली चाहिए गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा डाल सकते हो। मैं इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। टेस्ट के लिए नमक डाल देते हैं, गरम मसाला और मिलाते हैं इन सारी चीज़ों को। ये फ्राई किया हुआ बैंगन डालेंगे और मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा हल्का सा उबाल आने देते हैं। इसी तरह से इस बैंगन को उबाल आया है। अब हम गैस की आंच बिल्कुल धीमी करेंगे और पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट पकाएंगे। बिल्कुल ही धीमी आंच पे पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो 15 मिनट में इसी तरह से ये भगरा बैंगन बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा टेस्टी ये बैंगन बन गया है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिलाते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस भगरा बैंगन को आप रोटी, नान, राइस के साथ खा सकते हो। ये बैंगन खाने के लिए सचमुच बहुत ही टेस्टी लगता है। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। आप भी जरूर इसी तरह से भगरा बैंगन बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।